अहमद बलाला जो कि MIM पार्टी का विधायक है, आज पूरा देश कोरोना से लड़ रहा है। कोरोना को हराने के लिए हर वो देश प्रयत्न कर रहा है। एक तरफ सारा देश है, दूसरी तरफ ये MIM के विधायक अहमद बलाला हो या और भी विधायक हो या MIM पार्टी के कार्यकर्ता और कॉर्पोरेटर्स, ना लॉकडाउन का ये लोग पालन कर रहे, किसी की लोग नहीं सुन रहे। पुलिस को धमकियां दे रहे, डॉक्टर्स को धमकियां दे रहे, इनके कार्यकर्ता हमलाएं कर रहे, लॉकडाउन का खुलेआम उल्लंघन कर रहे। ये एक अहमद बलाला का इश्यू नहीं है जो उसकी विधानसभा में लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहा है, दुख शॉप्स खुलवा रहा है और मस्जिदों में नमाजें पढ़वा रहा है। ये एक नहीं, वो सारे के सारे विधायक इस प्रकार का कार्य कर रहे हैं। मैं असदुद्दीन ओवैसी पूछना चाहूँगा, क्या इस सब के पीछे क्या तुम्हारा हाथ है? एक तरफ तुम साफ सुथरी है मेरी छवि इस प्रकार से मीडिया में अपने आप को प्रोजेक्ट करते हो, दूसरी तरफ अपने विधायकों को, अपने कॉर्पोरेटरों को ये आदेश देते हो कि लॉकडाउन का उल्लंघन करो, कोरोना वायरस को और फैलने दो अपने अपने क्षेत्र में, अपने विधानसभा क्षेत्र में। इस प्रकार से क्या तुम पार्टी चलाओगे? क्या इस प्रकार से तुम तेलंगाना में कोरोना वायरस को बढ़ाने के लिए तुम पूरा का पूरा सहयोग करोगे? ये नहीं चलेगा। मैं MIM विधायक, कॉर्पोरेटर, कार्यकर्ताओं को और खास करके असदुद्दीन ओवैसी को कहना चाहूँगा, ये जो नंगा नाच जो तुम लोग खेल रहे हो, कोरोना वायरस आज जो एक भयंकर महामारी जो बन के आया है, ऐसे समय पर जो तुम खुला नंगा नाच जो मुख्यमंत्री के सहयोग जो तुम खेल रहे हो, इसका भुगतान तुम्हें जनता देगी। जनता जिस दिन तुम्हारे खिलाफ होगी, तुम्हारा क्या हशर होगा तुम सोच सकते हो। मैं फिर से एक बार मुख्यमंत्री को कहना चाहूँगा कि जो भी विधायक हो या जो भी कॉर्पोरेटर हो, जो भी अगर लॉकडाउन का उल्लंघन करता है और लॉकडाउन का अगर पालन नहीं करता, अगर पुलिस से बदतमीजी करता है, तो उनके ऊपर सीरियसली मुख्यमंत्री जी एक्शन ले। नहीं तो तेलंगाना में अगर कोरोना वायरस की अगर संख्या बढ़ेगी तो इसको संभालना मुश्किल हो जाएगा।